मैं शुभम जायसवाल, मैं हम लोग एक ब्लॉग गांव की ब्लॉग बनाने जा रहा हूं, ठीक है। इसमें कुछ मेरे साथी हैं जो मेरी मदद करेंगे, ठीक है। आज जाएंगे गांव की अच्छी चीज़ें और जंगल की कुछ यूनिक चीज़ें दिखाने वाले हैं। तो ये हमारे साथी हैं जिनका नाम विकास केसवार है, ठीक है, और ये राजवीर सिंह पटेल और ये विजय जायसवाल। ये चारों लोग जाकर कुछ यूनिक चीज़ें और अच्छी चीज़ें दिखाएंगे। ये लोग हमारी वीडियो बनाने में मदद करेंगे, ठीक है। ओके गाइस, हम लोग न्यू ब्लॉक की ओर जा रहे हैं, ठीक है। आप लोगों को एक यूनिक सा जंगल दिखाने वाले हैं, ठीक है। देखो, बाइक नहीं थी तो एक बाइक पे चार लोग जा रहे हैं, ठीक है। देखो, गांव की कच्ची गलियां, कच्ची सड़कें कितनी प्यारी लग रही हैं। अब हम लोगों का कुछ कहना ही नहीं। दोस्तों, हम लोग जंगल के पास आ चुके हैं, ठीक है। अब आप लोगों को जंगल का रास्ता और जंगल के बारे में कुछ बताएंगे। चलो दोस्तों, उतरते हैं, गाड़ी को बंद करते हैं, चलो चलते हैं दोस्तों। ये हमारे विकास भाई और ये राजवीर सिंह पटेल और ये विजय जायसवाल, ठीक है, और मैं शुभम जायसवाल, ठीक है। हम लोग गांव से ही बिलोंग करते हैं, इसलिए गांव की अच्छी अच्छी चीज़ें और अच्छी अच्छी यूनिक चीज़ें दिखाने वाले हैं, ठीक है। तो गाइस, चलो आगे की ओर चलते हैं, ठीक है। यही है जंगल ना भाई? चलो ठीक है, बड़ा डरावना भाई है जंगल। चलो चलते हैं आगे की ओर। और यहाँ रास्ता देख लो कितना बेकार है, लगता है पार नहीं कर पाएंगे। उधर चलेंगे कैसे? इधर देखो अब कोई दूसरा, दोस्तों इधर से तो निकल नहीं पाएंगे, काफी रास्ता खराब है। चलो दूसरा रास्ता ढूंढते हैं किधर। जंगल तो काफी बड़ा लग रहा है, डरावना भी है। अब देखो कैसे पहुँचते हैं जंगल के अंदर। देखो, जंगली जानवर देखने को मिलते हैं या नहीं? हाँ, तो जानवर भी हो सकते हैं। हाँ, जानवर भी हैं। अभी तुमको नई नई चीज़ें यहाँ दिखाएंगे। और यहाँ निकलने का तो रास्ता बहुत ज़्यादा नाजुक होता जा रहा है। देखो, मुझे इस पेड़ जो गिरा पड़ा हुआ है इस पर जाना पड़ेगा, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है इस साइड में। चलो फिर से जाना होगा, बहुत खतरा है बड़ा। चलो हम ही आगे चलते हैं, हमारे पीछे पीछे आइए आराम से। दोस्तों रास्ता देख लो कितना खतरनाक है, बस आप लोगों का प्यार बना रहे। और आराम से भैया, संभल कर, अरे हिसाब से आना। अरे बंदर की तरह आना, बंदर की तरह संभल के संभल। आराम से भाई, आराम से, हिसाब से आना, ठीक है। अरे चलो, हम तो पेड़ के आधे पार आ चुके हैं और हमारे साथी लोग पीछे रह गए। आराम से भाई, लोगों संभल कर, आराम से भाई लोगों, आराम से। कोई जल्दी नहीं है, ब्लॉक के चक्कर में हड्डी मत तोड़वा लेना। फाइनली हम तो रास्ता पार कर चुके हैं, अभी हमारे साथी फंसे हुए हैं, इनको कैसा पार कराया जाए। मजा आ गया, अरे बड़ी मुश्किल से पार कर पाए हैं। अभी एक दोस्त फंसा हुआ है, आ जाने दो। चलो फाइनली हम लोग जंगल में आ चुके हैं, अब जंगल के बारे में कुछ बताते हैं, तुम्हें दिखाते हैं। ये रहा हम लोगों का, हम लोग जंगल में यहाँ से टहलेंगे, चलो, जो कि काफी बड़ा और 1500 एकड़ में फैला हुआ है। एक से एक पेड़ और हर एक चीज देखने को मिलेगी। और राजवीर भाई, आपका नाम का यहाँ पे किसी ने लोगो भी बना दिया है, आर्यस, इसका मतलब होता है राजवीर सिंह पटेल, ठीक है। पहली चीज़ तो ये यूनिक देखने को मिली। चलो आगे देखते हैं, बारिश की वजह से ज़मीन नम है थोड़ी, ठीक है, फिर भी हम आप लोगों को दिखाएंगे इसके बारे में। ओ भाई, कितना घना जंगल है। देखो दोस्तों, बहुत ही काफ़ी, और
इतना साफ है जंगल, शायद आपने कभी नहीं देखा होगा पहले इससे। चलो आगे और दिखाते हैं नई नई चीज़ें तुम लोगों को। अभी धूप का धूप आ रहा है, प्रकाश देखो यहाँ पे, जंगल में अभी भी धूप है, सूर्य की किरणें यहाँ तक मेरे तक पहुँच रही हैं। इसमें जानवर तो नहीं कोई, जंगली जानवर है, पता चले टांग पकड़ कर खींच ले जाएं। और यहाँ से हरियाली भी स्टार्ट हो रही है, देखे आगे हरा भरा है, काफ़ी हरा भरा जंगल है। फाइनली हम लोग कम से कम 200 मीटर जंगल के अंदर आ चुके हैं। जंगल में तो बहुत मज़ा आ रहा है, देखो कितनी धूप, कितना मौसम अच्छा लग रहा है। ठीक है देखो देखो, बिना फिल्टर लगाए इतने गोरे दिख रहे हैं, फिल्टर लगाएंगे तो कितना। अरे भाइयों कांटे भी काफ़ी अधिक हैं, देख सकते हो आप। ये देखो दोस्त के भी चुप गया, मैं तो यहाँ काफ़ी बार आया नहीं हूँ, मेरा सेकंड राउंड है। मेरा दोस्त है राजवीर सिंह पटेल, ये 2-3 बार आ चुका है। ये इसे जंगल, ये जंगल के बारे में थोड़ा तुम्हें, जंगल बबूल का है। ये थोड़ा बहुत कुछ बताएगा भाई। ये पेड़ कंजी के हैं, कौन सा उधर ये सब लगे हैं बबूल के, ये कंजी का है। ये कंजी भाई क्या था? अरे भाई यहाँ कांटे तो बहुत हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। बबूल के कांटे, आराम से दोस्तों कांटे संभल संभल कर कहीं पाँव में चुभ ना जाए। दोस्तों यहाँ मायके वाली चाल काम करेगी क्योंकि कांटे बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है आराम से, काफ़ी हरा भरा जंगल है, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आकर तो। यहाँ काफ़ी जंगल है, देख लो मेरे लगभग यहाँ कमर बराबर जंगल है। देखो मेरे दोस्त आगे रास्ता बनाते हुए चल रहे हैं, पीछे से हम लोग उन्हीं रास्तों पे चल रहे हैं। ठीक है यहाँ कीड़ों का मकोड़ों का भी डर है, पर आप लोगों के प्यार के लिए मैं सभी कर रहा हूँ। आराम पार कर चुके हैं, कांटों वाला रास्ता पार कर चुके हैं, फाइनली साफ जगह आ चुके हैं। अब चलो मैं आगे की ओर तुम्हें कुछ दिखाता हूँ और बताता हूँ। भाई सीन तो बहुत डरावना लग रहा है, देखो चारों ओर कुछ भी नहीं है सिवाय, देखो चिड़िया तक चहकने की आवाज़ भी नहीं आ रही है, इतने डरावने तो जंगल में तो बहुत डर लग रहा है। मैं तो फर्स्ट टाइम आया हूँ, अब किधर से रास्ता खोजा जाए, इधर से चलते हैं। आप जाकर एक चिड़िया की चहक सुनाई दी है, पता नहीं कहाँ पे बैठी है। भाई इसमें कितनी वैरायटी के लगभग पेड़ होंगे? 56 प्रकार के। 56 प्रकार के, नाम पता है क्या? ऐसे ही बड़बड़ा दिए। शीशम है आपका, बबूल है, कैरी है, कंजी है। हम लोग बिल्कुल एकदम साफ सुथरी जगह पे आ चुके हैं, देख लो आप, देख सकते हो वीडियो में कितना अच्छा लग रहा है। ये देखो चारों ओर का सीन। अभी हम लोग जंगल के लगभग 500 मीटर अंदर आ पाए हैं, जंगल क्योंकि काफ़ी बड़ा है अंदर जा नहीं सकते। ठीक है जहाँ तक पहुँच पाएंगे वहीं तक आप लोगों को दिखाएंगे। हमारी टीम जंगल में चल रही धीरे धीरे रास्ता खोजते हुए। यहाँ एक से एक चीज़ पड़ी, देखो न्यू पेड़ भी लगाए गए हैं यहाँ पे, फॉरेस्ट वालों ने लगाया है। देखो अब ये कब तक तैयार हो जाते हैं। यहाँ देखो, ये देखो, ये सब नए न्यू पेड़ लगे हैं। और जंगल भाई काफ़ी मस्त लग रहा है, देख लो आप, खुद देख सकते हो कितना हरा भरा और कितना अच्छा लग रहा है। बस कुछ डरावना है, कुछ जंगली जानवरों का डर है। ठीक है भाई मुझे भी ले चल। अरे साथ में चलो भाई, डर तो बहुत लग रहा है, कहीं अचानक जानवर ना आ जाए पीछे से। मुझे लगा है लगभग एक जानवर है, लगभग जूम करके देखते हैं लग रहा है, जूम करके देखो पत्ते हिल रहे हैं लग रहा है। भाई हम लोगों की आवाज़ से निकल चुका है जानवर शायद, चलो हम देखते हैं, अगर आगे मिलेगा तो दिखाएंगे जरूर दोस्तों। भाई तू अपनी मर्ज सूट कर, दोस्तों को भी दिखाने दे। मैं चाह रहा हूँ कि आप लोगों को कुछ जंगली जानवर दिखाए जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे, जितना अंदर हो सकेगा मैं जाऊँगा अंदर, आपको जंगली जानवर दिखाने की कोशिश करूँगा। अगर नहीं दिखे तो दोस्तों मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, अगर दिखे मिले थोड़ी भी चहक लगी तो मैं ज़रूर दिखाऊँगा आप लोगों। एक दो चिड़िया चहक रही, बाकी तो कुछ दिख नहीं रहा। अब ये क्या करने जा रहे हो? यहाँ ममाखी का छत्ता है, वही उड़ रही हैं। हल्की हल्की हवा भी चल रही, देखो पत्ते हिल रहे हैं। जंगल का सीन आप खुद देख सकते हो कितना अच्छा और सुहाना है। काफ़ी नीचे पेड़ भी हैं, आप चाहें तो इस पर बैठकर झूला भी झूल सकते हैं।
चलो अब दूसरी ओर चलते हैं, कुछ दिखाने की कोशिश करते हैं, कुछ यूनिक, कुछ अलग हम तुम लोगों को दिखाना चाहते हैं। एक फोटो तो कौवे की चहक सुनाई देने लगी है, लगता है कोई वहाँ जानवर है इसीलिए चिल्ला रहे हैं। हम लोगों की आवाज़ सुनकर चहकने लगे। जानवर तो काफ़ी हैं पर दिख नहीं रहे हैं क्योंकि जंगल काफ़ी घना और डरावना है, इसीलिए चलो हम दिखाने की कोशिश करते रहेंगे। इधर से रास्ता भी चाहिए देखो जाने का, क्योंकि यहाँ नए न्यू पेड़ लगाए गए हैं इसीलिए रास्ता है, ठीक है। और हम लोगों आप लोगों को दिखाते एक अजीबोगरीब पेड़ दिखाने जा रहा हूँ। आप कमेंट में बताएंगे ये किस चीज़ का पेड़ है, अगर आपके गांव में हो तो हमें ज़रूर बताना। ये देखो कितना घना और अच्छा पेड़ लग रहा है, ठीक है। आपके गांव में हो तो कमेंट में ज़रूर बताना दोस्तों। यहां देख लो कितने लंबे लंबे पेड़, दूर दूर तक देख लो वहां तक कहां आसमान छू रहे हैं पेड़। आप जंगल का आनंद इस तरह से कुछ ले सकते हैं। कैमरा इतना फास्ट भी नहीं चला रहा हूँ कि आप लोग देख ना पाएँ, आराम से देखिए दोस्तों। ये देखो ये क्या लटक रही भाई, इसे क्या बोलते हैं? बौ। कितना अजीब नाम है ना, बौ। इसको लोग देखो 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 ये झूला भी झूल सकता है, इसे पकड़कर ये टूटने में काफ़ी मजबूत लग रहा है। पेड़ तो जो अब दे यार ये फाइनली पता चुका टूट गया यार। ये देखो भाई पेड़ कितना, आप खुद देख सकते हैं कितनी क्लियरिटी आ रही है, कितना अच्छा है। किसका भाई? फूलों का पेड़ है, पता नहीं किस चीज़ के फूल आते, फूल तो लगे नहीं लगता है, ठंडक में फूल आएंगे, ठीक है। और यहाँ बराबर भाई यहाँ कल लगता है बारिश भी हुई है लग रहा है। अरे कांटे बहुत हैं पैर में, लगातार चुभ रहे हैं, ठीक है। ये देखो यहाँ पे थोड़ा पानी भरा हुआ है, लग रहा है बारिश हुई है, बारिश तो वैसे भी हुई नम हुए। इधर थोड़ा जंगल काफ़ी कम घना है, ठीक है, उस साइड में ज़्यादा है, डरावना भी, इसलिए हम लोग ज़्यादा अंदर गए नहीं, पता नहीं कौन सा जानवर। ये देखो भाई ये देखो कितना जहरीला हो जा रहा है जानवर, आप लोग इसका भी नाम कमेंट में बताएंगे। हम लोग छोटी से छोटी यूनिक से यूनिक चीज़ें देख रहे हैं। और ये हमारे दो साथी जो चल रहे हैं, ये आगे का रास्ता फाइनली साफ करते हुए चल रहे हैं, कुछ जहरीले जानवर जैसे सांप बिच्छू ये देखते हुए चल रहे हैं कि कहीं है तो नहीं जो हमें नुकसान पहुँचा दें। इधर का जो इलाका, इधर बहुत ज़्यादातर इधर चिड़िया हैं और कौवा ये पक्षी ज़्यादा इधर पाए जाते हैं। इधर का जो साइड का जंगल है इधर सबसे ज़्यादा इधर पैरट मिलते हैं, पर इस टाइम तो है नहीं, पता नहीं घोंसले में बारिश हुई, बारिश की वजह से सारे जानवर छिपे हुए बैठे हैं, ठीक है, क्योंकि भूमि नम है। देखो यहाँ पे अभी रास्ते में दिखाया था पानी भी भरा है। दोस्तों ये देखो दो पक्षी यहाँ पे सूखे पेड़ पे बैठे हुए हैं, पेड़ काफ़ी लंबा ऊंचा इसलिए सही से दिख नहीं रहे, पर मैं जूम कर कर दिखा रहा हूँ। ये देखो वो देखो उड़ गया। अरे दोस्तों फूल, मेरे दोस्तों को फूल भी मिल चुका। अरे देखो देखो यहाँ पे यहाँ पे भी लगा हुआ है, देखो देखो कितना सुंदर। चलो चलो आगे का भी दिखाते हैं। अरे कांटों वाला रास्ता है, थोड़ा संभल कर देखो, मेरा दोस्त पहले से ही फोटो खींचने लगा है, पता नहीं किसको दिखाना है। ये देखो यहाँ पे सब फूल, देखो दोस्तों कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पे। वो देखो वहाँ तक दूर तक लगे फूल, देखो फूल लगे हैं, ये सब जंगली फूल है। ये देखो यहाँ पे फूल का वो है, क्या कहते हैं, हाँ पौधा नहीं यार, इसको क्या कहते हैं, बतिया। दोस्तों कुछ गलतियाँ हो रही उसे माफ़ करना, ठीक है, नाम सही से नहीं पता है तो ऐसे ही बोल देता हूँ। पानी भाई बारिश हुई इसीलिए जानवर दिख नहीं रहे, ठीक है। सूर्य का किरण देखो कितनी तेज़ी से मार रही है। ये देखो हम लोग जंगल के बिल्कुल बाहर आ गए हैं क्योंकि अंदर गए नहीं, पानी भी भरा था, ठीक है, और वो मतलब जानवरों का अंदर काफ़ी डरावना, काफ़ी डरावना जंगली जानवर हमें क्षति ना पहुंचा दे, इसीलिए हम लोग दोस्तों अंदर गए नहीं, ठीक है। और इधर से ही हम तुमको आप लोगों को सब दिखा रहे हैं जंगल का सीन। देख लो पेड़ तो आप खुद देख सकते हो, जंगल इतना दिखाने के बाद आप खुद समझ सकते हो कि जंगल कितना अच्छा और सुहाना है। ये पौधा अच्छा लग रहा है, घर पे लगाना चाह रहे हैं, इसीलिए खुरपी उरपी तो लाए नहीं, शायद जड़े नहीं आ पाई हैं। आ गई देखो ये हम लोग अपने घर पे, भाई मेरे लिए भी एक नोचलो, वो देखो यहाँ पे लगा हुआ है छोटा सा पौधा, आराम से मिट्टी, अरे मिट्टी रही तो जड़ उखड़ रही क्योंकि आगे आगे। ये देखो आप सब लोग लेना चाह रहे हैं एक एक पौधा क्योंकि काफ़ी अच्छे इसमें फूल आ रहे हैं। ये देखो ये बहुत सही से आया हुआ है, ठीक है, इसके कौवा जड़े ना देख पाए, ठीक है, इसको आराम से चलते हैं आगे की ओर। हम लोग झाड़ियों और जंगलों में वापस जा रहे हैं, थोड़ा जंगल के बाहर किनारे की ओर जा रहे हैं। देख सकते हो कितना खतरनाक रास्ता है, सब जंगल ही जंगल, मुझे किस
स्थिति में गुजरना पड़ रहा हम ही जानते हैं भाई। हम लोग गुम तो नहीं हो गए? नहीं नहीं गुम नहीं होंगे, ठीक है। फाइनली हमें रास्ता तो पता नहीं, पर चलते जा रहे कहीं ना कहीं तो मिलेगा दोस्तों। देखो कितना ही अच्छा है, हम लोग ऊपर सर भी नहीं उठा पा रहे हैं, इतनी झाड़ी है, ठीक है। पर कैसे भी करके हम लोग आ रहे हैं धीरे धीरे। वो देखो बाकी दोस्तों पीछे फंसे हुए हैं धीरे धीरे, पर हम लोग कठिनाइयों का सामना करते हुए आगे की ओर बढ़ रहे हैं। अब किधर चलना है भाई? रास्ता तो दिन पर दिन ख़राब होता जा रहा है, ठीक है। पर कैसे भी करके हमें जंगल से बाहर तो निकलना है, क्योंकि हम उस रास्ते से जिस रास्ते से आए थे उस रास्ते से जा नहीं रहे, दूसरे रास्ते से जा रहे हैं, इसीलिए हम लोगों को थोड़ा दिक्कत प्रॉब्लम हो रही है। फिलहाल कैसे भी करके बाहर तो निकलना ही है, आराम से। अब किधर चलें दोस्तों? आप आगे की ओर देख सकते हैं, कोई और रास्ता नहीं, अब हमें खुद रास्ता बनाना पड़ेगा, ठीक है। कैसे भी करके आगे बिल्कुल झाड़ी है, देख सकते हो आप, कोई भी रास्ता नहीं। चलो हम फिलहाल रास्ता बनाते हुए चलते हैं आगे। हमें कैसे भी करके जंगल के किनारे एक छोर से दूसरे ओर चलना। यहाँ तो काफ़ी रास्ता ख़राब, देखो हमें बैठ कर निकलना पड़ रहा है बहुत धीरे धीरे स्लो मोशन में। देखो मेरे दोस्त आ नहीं रहे, देखो देखो कैसे निकल रहे हैं, देख सकते हो आप। अगर इतना ही सरल रास्ता होता तो ऐसे नहीं आना पड़ता। नहीं बाहर हम लोग आ चुके हैं, देख लो अब रास्ता मिल चुका है हमें, ठीक है। आपको डर नहीं, बाहर भी हैं जंगली जानवरों का भी नहीं डर है, अब आराम से हम लोग यहाँ मस्ती भी कर सकते हैं, घूम फिर सकते हैं। देखो यहाँ पे न्यू पेड़ लगाए गए हैं, तो जगह जगह गड्ढों में पानी भरा हुआ है, देख सकते हो आप। ये देखो पेड़ देखो किस टाइप के हैं, अजीब, एक से एक अजीब गरीब। तो हम लोग जंगल के बिल्कुल बाहर आ चुके हैं, अब बाहर ही रास्ता तय करेंगे, क्योंकि अंदर बहुत कांटे और झाड़ी हैं, ठीक है। और हम लोग शूज भी नहीं पहने हैं, ऐसे ही आए हैं देख सकते हो आप, इसीलिए हम लोगों को चलने में कठिनाई हो रही है। अगली बार हम आप लोगों को इससे भी अच्छे यूनिक और बिल्कुल तगड़ी चीज़ दिखाने वाले हैं, ठीक है। मेरी हर वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा देखें, ठीक, और लाइक के साथ कमेंट भी करिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, ठीक है। और पहले वीडियो ऐसे ही लाता देखो देखो यहाँ पर कितना अच्छा लग रहा है, देख सकते हो आप। फाइनली हम लोग बाहर जा रहे हैं, ठीक है। काफ़ी डरावना जंगल था, इसीलिए हम लोग ज़्यादा अंदर तक गए नहीं। जानवर दिखाई दे रहे हैं हम लोगों को, दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो देखो भागते हुए जा रहे हैं। काफ़ी दूर निकल गए तो इसलिए हम लोगों आप लोगों को दिखा नहीं पाए, पर यहाँ पे काफ़ी कोई खतरा। वो देखो शायद मोर है। लोग देख सकते हैं जंगल कितना काफ़ी अच्छा लग रहा है, देखो एकदम साफ लगता है किसी ने यहाँ झाड़ू लगा गया है, ठीक है। देख सकते हो आप लोग बिल्कुल साफ एकदम, अंदर काफ़ी थोड़ा जंगल उंगल है, बाहर की ओर तो काफ़ी अच्छा जंगल है, ठीक है। ये मेरा दोस्त तो उतनी देर से पता नहीं किससे बात कर रहा है, साथ गर्लफ्रेंड का फ़ोन हो या किसी रिलेशन में फ़ोन हो, ये तो बस इसी जंगल की तारीफें किए जा रहा है, बराबर बताया जा रहा है, ठीक है, कि यहाँ की खूबसूरती के बारे में बता रहा है। अब मेरे पास तो फ़ोन है नहीं, है तो मगर किसी का कॉल आने का इंतजार नहीं ना। हाथों में बहुत खुजली सी हो रही, पता नहीं किस पेड़ के पत्ते लग गए हैं। बाहर आ चुके हैं, ठीक है। अब रास्ता तो कोई दूसरा है नहीं, हम लोगों को जाना उसी रास्ते से पड़ेगा, खतरनाक। आप लोग समझ सकते हैं आप लोगों के लिए मैं कितना खतरनाक जगह पे जा रहा हूँ, ठीक है। थोड़ी देर के लिए मैं वीडियो को रोक रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि हमें रास्ता पार करना है। तो कैसे भी करके पार हो चुका हूँ, गिर भी चुके हैं, ठीक है। अब देखो वो लोग कैसे आते हैं मेरे दोस्त। अरे आराम से भाई लोग आइएगा, ठीक है, किसी को कोई क्षति ना पहुँचे, ठीक है भाई। फ़ोन बाद में उठाना वरना गिर पड़ोगे, आराम से। दोस्तों आप लोगों के लिए सब हम कर रहे हैं, ठीक है। आपकी एक लाइक और एक कमेंट हमारी ज़िंदगी बदल सकती है, ठीक है। आप लोग समझ सकते हैं कि एक वीडियो बनाने में कितना मेंटेन होना पड़ता है, आराम से। फाइनली दोस्त हम लोग जंगल के बाहर निकल चुके हैं, काम भी हो चुकी है काफ़ी, इसलिए हम लोग ज़्यादा देर तक रुके नहीं। सूर्य ढलने वाला, देख लो सूर्य का प्रकाश आ नहीं पा रहा, सही से देख लो आप ऊपर की से देख सकते हो।